हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो फेस्टिवल आ रहे हैं तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट रसीली रसीली मिठाई। आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं या घर पे मेहमान आए, और सबसे बड़ी बात, जब आपको दिल करे कुछ मीठा खाने का तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 5 मिनट में तैयार हो जाती है और इतनी सस्ती ये बनती है, बस 3 चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है। तो जब भी मीठा खाने का मन करे झटपट से बना कर खा सकते हैं, टेस्टी और यमी कि इतनी कि पूछिए मत। तो चलिए इस टेस्टी यमी और ब्रेड की मिठाई को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 कप चीनी। आप कोई भी पतीला किसी में भी आप ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सॉस पैन में 1 कप चीनी डाला है। 1 कप चीनी में हम पक्का 1 कप पानी डालेंगे, एकदम बराबर का नाप रहेगा। और इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 3 से 4 इलायची। आप इसे कूट के भी डाल सकते हैं और ऐसे भी डाल सकते हैं। और साथ में हम ऐड करेंगे इसमें फूड कलर, इससे मिठाई का कलर बहुत अच्छा आता है, क्योंकि मिठाई बहुत कलर्स के बनते हैं जो देखने में खूबसूरत लगते हैं। तो आप इसमें ऑरेंज फूड कलर डाल दीजिएगा और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे। जब तक बॉईल करेंगे जब तक एक चिपचिपी सी इसमें चाशनी न तैयार हो जाए। हमें इसे बहुत ज़्यादा एक तार की चाशनी नहीं बनाना है, बस एक हल्की सी चिपचिपी आनी चाहिए। ये देखिए, बस ऐसे ही चिपचिपी आ जाए तो ये चाशनी हमारी बनके तैयार हो जाएगी। बहुत ज़्यादा हमें इसे एक तार की चाशनी नहीं करना है। तो ये कम से कम 1 से 2 मिनट में आपकी चाशनी बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी चाशनी तैयार हो चुकी है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया है। चलिए अब उसे साइड पर रख देते हैं। जब तक चाशनी ठंडी होती है यहाँ पर हम ब्रेड को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 6 ब्रेड का मिठाई बनाया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एक ग्लास ले ले, जो घर पे स्टील के ग्लास होते हैं ना, वो ले ले और उसे ब्रेड के बीच में रख कर एक गोल शेप दे दे। ये देखिए, बहुत आसान है, इसे बस बीच से इसे डाल दे और एक गोल शेप बन के निकल जाएगा। ये देखिए, बहुत अच्छे से आराम से इसे निकालिए, बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह से आप सारे ब्रेड को कट कर लेंगे और इसके ब्रेड के जो साइड कॉर्नर बच रहे हैं आप उसके क्रम्स बना के उसकी रेसिपी बना सकते हैं, तो ये आपका वेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह से मैंने सारे ब्रेड को कट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारे ब्रेड को कट कर लिया है बिल्कुल ऐसे ही शेप में। आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, बस शेप गोल रहेगा तो देखने में मिठाई बहुत ही खूबसूरत लगेगी। तो बस ये तैयार है। अब हम एक बॉल ले लेंगे, उसमें हम डालेंगे क्रीम। मेरे पास फ्रेश क्रीम था तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। आप घर के जो फ्रेश क्रीम होते हैं ना, जैसे दूध के ऊपर आज के दूध से ही निकल रहे, तो वो क्रीम आप ले ले। अब उसमें ऐड करें 1 चम्मच ग्रेटेड नारियल पाउडर, और साथ में आपके पास फ्रेश नारियल है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में हम ऐड करेंगे कटे हुए ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो ड्राई फ्रूट्स उसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास काजू बादाम नहीं है तो आप सिर्फ किशमिश भी डाल सकते हैं। और साथ में हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी। अब इन सबको आप बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। धीरे धीरे से मिक्स करेंगे तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा जो हम ब्रेड के अंदर का फिलिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, बिल्कुल एक खोआ के जैसा ये तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है, आप इसे ऐसे भी टेस्ट करेंगे ना तो ये बहुत ही यम्मी लग रहा था। मैं तो इसे बार बार टेस्ट कर रही थी, ये खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। बस अब ये तैयार है। तो चलिए अब हम ब्रेड को ले लेते हैं, और ब्रेड को अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच फिलिंग लेके ब्रेड के ब्रिज में इसको अच्छे से फैला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, अंदाज से आप इसे लगाइएगा, और लगाने के बाद बहुत अच्छे से इसे फैला लेंगे चारों तरफ से फैला के। अब हम इसके ऊपर रखेंगे ब्रेड की दूसरी परत, और इसे रखने के बाद इसे हम बहुत अच्छे से दबा देंगे जिससे ये दोनों बहुत अच्छे से ऐड हो जाए। बहुत ही यम्मी और बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाती है दोस्तों, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से मैं आपको एक बार और दिखाती हूँ कि आपको कैसे करना है। बस इसके ऊपर आप आधी चम्मच के करीब
पेस्ट जो हमने तैयार किया वो लगा दें, और साथ में हम ऐड कर देंगे इसके ऊपर दूसरे ब्रेड के पीसेस, और ये आपकी जो ब्रेड चमचम है वो बनके बहुत ही आसान है इसे बनाना। बस फॉलो टू फॉलो आपको इसे देख के और बहुत अच्छे से इसे बना लेना है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह मैंने सारे ब्रेड्स के पीसेस को तैयार कर लिया है। तो चलिए, वहाँ पे हमारी चाशनी ठंडी हो चुकी है, तो आप ध्यान दें कि चाशनी एकदम ठंडी होनी चाहिए। अगर आप पे जल्दी करना है तो आप इसे फ्रिज पे रख सकते हैं। बस एक ब्रेड के पीस को चाशनी के अंदर डाला और हल्का सा इसे निकाल के, बहुत ज़्यादा इसे डिप नहीं करना है नहीं तो ब्रेड क्या हो जाएगी, चूर हो जाएगी। बस डाला और बस अब हम इसे ग्रेटेड कोकोनट पाउडर जो है उसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए, बहुत ही यम्मी लग रहा है, देखने ही से ये इतना अच्छा लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। बस ये देखिए, 5 से 10 मिनट में आपकी ब्रेड की चमचम बनके बिल्कुल तैयार है, लग रहा है ना बहुत टेस्टी। हलवाई भी इसके सामने फेल है ना, लग नहीं रहा है ना कि इसे हमने ब्रेड से बनाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने इसे मार्केट से ख़रीदा है। तो बस 5 से 10 मिनट में आपकी टेस्टी ब्रेड की चमचम बनके तैयार हो गई है, और इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स, चेरी, किशमिश जो आप इसे चाहे तो दे सकते हैं, जिससे मेहमान देख के हैरान रह जाएंगे कि अरे वाह, ये मिठाई तो बड़ी महंगी और बड़ी ही टेस्टी लग रही है। और अगर फेस्टिवल आ रहा है, जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है, तो आप अपने भाई को ये मिठाई बना के खिलाइए, वो ज़रूर आपकी तारीफ़ करेंगे, वो पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने इसे ब्रेड से बनाया है। बस मैंने इसके ऊपर चेरी रखा और साथ में पिस्ता डाल दिया, आपको जो दिल है आप उससे सजा सकते हैं। तो बहुत ही जल्दी ये बनके तैयार हो जाती है। तो इस रेसिपी को इस फेस्टिवल में आप ज़रूर ट्राई करिए। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और अगर पहली बार आए हैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, फिर मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।